हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड। क्लास थर्ड के स्टूडेंट अब हम मैथ्स पढ़ेंगे। टुडे वी विल स्टडी मैथ्स। ओके फर्स्टली अपनी बुक का जो चैप्टर फर्स्ट है नोटबुक टेक्स्ट बुक का चैप्टर फर्स्ट रिमाइंडर ऑफ प्री क्लास उसको अपन कंप्लीट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टेबल में जो है हमें कंप्लीट करना है। एक साइड हमको दिया हुआ है नंबर, एक साइड हमको क्या दिया हुआ है नंबर, और दूसरी साइड है नंबर का नेम, नंबर नेम। उस नंबर को क्या बोलते हैं? ठीक है 458। फर्स्ट क्या है 458, तो यहां पे लिखेंगे 458। ओके नेक्स्ट है बी। बी में ये लिखा हुआ है, देखो 396 लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है 396। तो 396 कैसे लिखते हैं? ये देखो ये हो गया 396। ओके सी क्या है? देखो सी और ये डी, सी लिखा हुआ है 763 और डी लिखा हुआ है 592, मतलब 1 stands 100। ठीक है ये हो गया आपका 763, ये हो गया 592। सेवन देखो देखिए सेवन एस ई वी ई एन सेवन हंड्रेड, ये लिखा 100, ये लिखा 60, ये लिखा 363, ये लिखा देखो 592। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी का। नेक्स्ट है 625, ये ई और ये एफ, यहां पे लिखा हुआ देखो एक तो लिखा हुआ 625 और एक लिखा हुआ 907। देखो 625 तो 100 का तो लिखना है 6, टेंस का लिखना है 2 और वंस का लिखना है 5, तो 625। इसका 907 तो ये लिखा 9 और टेंस का लिखना 0, 907 कंप्लीट। देखो इसको अपनी नोटबुक में पुट डाउन करो। ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? 458 जो हमें वर्ड्स में लिखा हुआ मिला है हमको उसे नुम्रल्स में लिखना था, वर्ड्स में लिखा हुआ था उसको नुम्रल्स में लिखना था और जो नुम्रल्स में लिखे हुए थे उसको वर्ड्स में लिखना था। ओके समझ में आ गया, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पुट द ग्रेटर लेस और इक्वल टू साइन एप्रोप्रिएटली, मतलब इन साइन को अपने एप्रोप्रिएट तरीके से इन क्वेश्चन के अंदर फील करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखो 286 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? ये 286, देखो 1 stands 100, तो 286 ये लिखा हुआ है 315, क्या लिखा हुआ है 315। देखो काउंट करते हैं पीछे से 1 stands 100, ठीक है तो 315, तो बड़ा नंबर कौन सा है?
जो नंबर ग्रेटर होता है, जो नंबर बड़ा होता है, उसकी तरफ खुले हुए मुंह वाला सिंबल लगाते हैं। ये लगा दिए, ये नंबर बड़ा है तो इसकी तरफ मुंह खोल दो, और जो नंबर छोटा होता है उसकी तरफ बंद वाला रखो। ठीक है, ग्रेटर देन है ये, तो 315 इज ग्रेटर देन 286। इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 817 और वंस टेंस 108, 117, ये देखो वंस टेंस 100, 100 में 9, 986, 986, तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? 986 वाला नंबर, तो ये लिख दिया 986 को बड़ा। ठीक है ओके। अब ये देखो 311, ये 309, वंस टेंस 100, 311, 309, बड़ा नंबर कौन सा? 311। ठीक है, अब 281, 268, कौन सा नंबर बड़ा है? 81 बड़ा है। 100 तो इक्वल है दोनों में, 100, 200, 200 दोनों में, ये है 81 और ये है 68, तो 281 नंबर बड़ा है। ओके, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। ओके, पुट डाउन करो ये भी क्वेश्चन अपनी नोटबुक में, आपको सब साफ साफ दिखाई दे रहा है ना? तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, लिखा हुआ है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर, नंबर को दिए हुए नंबर को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपको पता है, आप रिवाइज कर रहे हैं ये, तो रिवाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने पहले ये पढ़ लिया है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले छोटे नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। ओके, तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? देखो ये लिखा हुआ है 281, ये लिखा हुआ 292, ये लिखा हुआ 127, ये लिखा हुआ 729, ये लिखा हुआ 297, तो सबसे बड़ा छोटा नंबर कौन सा हुआ? 127, 127, उससे बड़ा नंबर कौन सा है? 281, 281, उसके बाद में 292, ये लिख दिया 292, उसके बाद में 297, और द लास्ट एंड फाइनल ग्रेटेस्ट नंबर इज 729। ओके, समझ में आया आपको ये? देखो सबसे छोटा नंबर लिखा हमने सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा नंबर लिखा ये वाला, उसके बाद 292 उससे बड़ा है, उसके बाद 297 उससे बड़ा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 729। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी ऐसे का ऐसे है, असेंडिंग ऑर्डर में वैसे तो आपको दी कर लोगे। ठीक है, एक बार ट्राई करो अपने आप, फिर मैं करवाता हूँ ये क्वेश्चन, अगर होता है तो आप ट्राई करो। कर रहे हो आप ट्राई? चलो आपने ट्राई कर लिया है तो अभी मैं इसको करवा देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन, पहले इस क्वेश्चन में दिए हुए नंबर्स, जो गिवन नंबर है हमको उन नंबर को रीड करना है, फिर उसके बाद हमें उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे छोटा नंबर देखो 400, 800, 300, 800, 600, तो सबसे छोटा नंबर 300 वाला। ओके, तो सबसे छोटा नंबर लिख दिया हमने 343, 343, 343 के बाद देखो 400 वाला नंबर है, और कोई 400 वाला नहीं है, तो 438 उसके बाद है उससे बड़ा नंबर है। फिर उसके बाद देखो 650, 650, और फिर ये भी 800 है, ये भी 800 है, तो देखो वापस इसको, ये है 848, ये है 834, तो 834 पहले आएगा क्योंकि ये छोटा नंबर है, और एक 848 जो है सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, तो ये उसके बाद आएगा। देखो क्वेश्चन को क्लियरली। ठीक है, इसमें से ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, मैं देता हूँ आपको, जो आपको होमवर्क में करना है ये देखो अपनी तरफ से देता हूँ, है ना?
ये लिखो आप 505, 595, 559 और 495। ठीक है, ये दिया हुआ नंबर है आपको और आपको इस नंबर का आंसर जो है होमवर्क में अपने आप सॉल्व करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इस नंबर का क्वेश्चन को। कल मैं वापस आपको इसको पूछूंगा, ठीक है? देखो क्लियर करो, पुट डाउन कर दिया नोटबुक में, करो नहीं किया है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले था असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता था छोटे से बड़ा, अब डिसेंडिंग ऑर्डर है तो डिसेंडिंग ऑर्डर का वर्ड मतलब होता है बड़े से छोटा। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे और उसके बाद में उससे बड़ा नंबर, उससे छोटा नंबर लिखेंगे, उससे छोटे 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 करते सबसे लास्ट में सबसे छोटा नंबर आएगा। ठीक है, तो ये देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, हमको जो दिए हुए नंबर है देखो उसको रीड करते हैं। पहले ये 500 से शुरू होता है, ये 200, ये 500, ये 200 और ये 300। तो कहने का मतलब जो है सबसे बड़ा नंबर है जो 500 का है। ठीक है, ये भी 500 है, ये भी 500 है, देखो ये 525, ये 552। ठीक है, ये 300 है, ये 200 और ये भी 200 है, ये तीनों नंबर इन दोनों से छोटे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 500 ये आएगा, 52, 25 आएगा या 52 आएगा? 552 आएगा, क्योंकि 552 सबसे बड़ा नंबर है, 552। और उससे छोटा कौन सा हो गया? 525। फिर देखो ये तो 200 है और ये भी 200 है और ये 300 है, तो क्या आएगा? 340। अब देखो ये 252 है और ये 255 है, तो उससे छोटा हो गया 255 और सबसे छोटा हो गया 252। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 848, 300। ये देखो ये है 800, ये 300, ये 400, ये 800, ये 600। तो ये 800 और ये भी 800, दोनों में से कौन सा बड़ा? ये 848, ये 834, तो 848 सबसे बड़ा, 848। उसके बाद में 834। उसके बाद में देखो बेटा, देखो 343, 438, 635। देखो बच्चों कौन सा नंबर बड़ा हुआ, 300, 400 या 600? 635। अब उससे छोटा नंबर कौन सा? 438 और सबसे लास्ट में 343। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपको होमवर्क में देता हूँ, आपको खुद करना है। ठीक है, ये 909, ये 999, ये देखो 990, ये 929। ठीक है, ये क्वेश्चन को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, अब देखो हमारे 1, 2, 3, 4 आज टुडे वी हैव कंप्लीटेड 4 क्वेश्चन इन दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। मैंने जो होमवर्क आपको दिया हुआ है वो भी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और पूरे के पूरे क्वेश्चन ये भी आपको देखने हैं वापस। ओके, बाय बाय।